स्टूडेंट, स्वागत है आपका भूपेंद्र सोठा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पड़ा हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। आज हमें बताएंगे कि इसको 81 लेकर 100 तक की ट्रिक कैसे याद करेंगे। ध्यान सुनना, कमांड का है इंस्ट्रक्शन। याद कैसे करेंगे? कमांड से याद रखेंगे कमांडर। अब कोई कमांडर होता है, जैसे किसी सेना का कमांडर हो गया या किसी भी हवाई जहाज का कमांडर हुआ या किसी भी का कमांडर होता है, तो वो क्या करता है, अपने सेना को इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है कि भाई ऐसा करना है, ऐसे जाना है, ऐसा करना है। तो कोई भी अगर वो होता है तो क्या करता है, वो कमांड यानी जो कमांडर होता है क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन देना हो गया आदेश देना। नेक्स्ट है जीनोम, इसका ड्रॉप। जीनोम से याद रखें जन्म, जन्म से याद रखें जन्म, GNOME जन्म। अब कोई बंदा ऐसा था कि वो जन्म से बेचारा ड्राफ्ट था, यानी बोना था। ड्राफ्ट था, वो कैसा था, बोना था। जो जन्म से कैसा था, बेचारा बोना था, तो बोने की इंग्लिश होती है ड्राफ्ट, TWER। नेक्स्ट है अबुलेशन, AB से अबुलेशन। अब जैसा मान लो किसी को कोई समस्या आई तो उसने AB से याद रखे अब, LAUTION से याद रखे लोशन। अब उसने लोशन लगाया, अब उसने क्या करा, लोशन लगाया। तो जब वो लोशन लगाएगा हाथ को या किसी चीज को, तो क्या करेगा बाद में, उसको हाथ को वॉश की तो करेगा, तो वॉश का हो जाएगा वॉशिंग, यानी उसकी धुलाई करने जाएगा फिर अपने हाथों की, यानी अब लोशन, यानी उसने लोशन लगाने के बाद हाथ को फिर वॉश कर। सर माउंट, इसका याद कैसे करेंगे? अब सर है माउंट की तरह हो गया। एक तो सर होता है झुक जाना, झुकता काम जब कोई गलत काम करोगे, और एक होता है सर माउंट की तरह हो गया, पर्वत की तरह हो गया। क्यों? तो सर माउंट की तरह का होता है जब हम किसी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं या कोई पेपर निकाल लेते हैं, SSC का, स्टैंड होगा किसी भी का, तो तब हम जो है विजय प्राप्त, यानी सर एकदम माउंट की तरह हो जाता है, सर खड़ा, यानी विजय प्राप्त करना, ओवरकम। नेक्स्ट है टोरपिड, इसका इनएक्टिव। अब कोई हमने सिम लिया, वो चल नहीं रहा, काफी देर से परेशान हो गए, तो हमने क्या करा, TOR से तोड़, और PID से पिट, उसको तोड़ पिट करके क्या करते हैं, फेंक दिया। और जब तोड़ पिट करके फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, वो चलेगा तो कोई ना, तो क्या हो जाएगा फिर, वो इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन, इसका प्रेफरेंस। जब किसी बंदे का सिलेक्शन होता है तो वो जहाँ कहीं भी जाता है, जब उसका सिलेक्शन हो जाता है यानी सरकारी नौकरी लग जाती है, तो जहाँ कहीं भी वो जाता है, जैसे शादी में या रिश्तेदारों में कहीं भी, उसको हर जगह प्रेफरेंस मिलती है, वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है कि भाई आओ तुम्हारी तो सरकारी नौकरी लगी है, उसको हर तरह अलग तरीके से देखा जाता है, तो प्रेफरेंस हो जाएगा उसकी पार्टी। नेक्स्ट है ऑफ स्टेशन, इसका है पॉम। तो याद कैसे करेंगे, ऑफ एस्टिनेशन यानी स्टेशन, STATION स्टेशन। जो स्टेशन होते हैं, जैसे रेल के बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ हर वक्त आती जाती रहती है, वहाँ आवाज़ करती रहती है। कौन सी आवाज़ करती है, पोम पोम की आवाज़ करती रहती है। तो यानी हर वक्त स्टेशन पे क्या रहता है, पोम पोम की आवाज़ होती रहती है, यानी धूम धड़क का सा रहता है। कहाँ रहता है, ऑफ एस्टिनेशन यानी स्टेशन पे रहता है। नेक्स्ट है कन्विक्ट, इसका क्रिमिनल। याद कैसे करेंगे, CON से याद रखें कान, CONVIC से याद रखें कन्विक्ट, यानी किसी व्यक्ति ने लड़ाई हुई उसको भैया कान काट दिया, तो जब कान काट देगा तो वो क्या बन जाएगा, अपराधी बन जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्रिमिनल होना, यानी अपराधी होना। नेक्स्ट इटिनरेंट, इसका ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी भ्रमण करना। याद कैसे करेंगे, अब जैसे मान लो किसी के कोई किराया का कमरा देखने गए, तो उसने रेट बताया और हद से ज्यादा रेट बताया किसने, मकान मालिक ने, तो वो क्या कह रहा है, ITIN इतना रेंट, ITIN से याद रखें इतना, RANT से याद रखें रेंट, इतना रेंट। तो इतना रेंट सुन के उसने क्या काम करा भैया, सामान अपना उठाया दूसरे जगह चला गया, मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण करना। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, लुसिड। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल पारदर्शी, एकदम स्वच्छ। तो एक चैप्टर पढ़ा था 9th-10th में, लूसी ग्रे का चैप्टर, लूसी LUCID से याद रखें लूसी। तो लूसी नाम की लड़की थी, वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, यानी ट्रांसपेरेंट कौन थी, लूसिड यानी लूसी नाम की कोई लड़की जो थी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, एकदम सुंदर थी, स्वस्थ थी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, अब देखो आपकी याद हो गया होगा। कमांड से याद रखें कमांडर, कमांडर क्या करते हैं भैया, इंस्ट्रक्शन देते, तो इंस्ट्रक्शन हो गया आदेश देना। जीनोम, जन्म से बंदा वो कैसा था, बोना था, तो ड्राफ्ट हो गया इसका आंसर। अब लोशन, किसी बंदे ने लोशन लगाया तो उसका क्या करेगा, हाथ को वॉश करेगा, वॉशिंग करेगा, धोगा।
नेचुरल सर माउंट, सर माउंट की तरह हो गया। माउंट की तरह कब होता है, जब हम किसी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कोई नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, यानी ओवरकम यानी विजय प्राप्त करना। टॉरपिट, कोई सिम लिया चल नहीं रहा था, टॉरपिट करके फेंक दिया, वो अब क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। सिलेक्शन, जब हम सिलेक्शन ले लेते हैं तो हर जगह हमको क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलती है, वरीयता दी जाती है। ऑफ स्टेशन, यानी स्टेशन पे क्या मिलते, स्टेशन पे क्या कैसी आवाज होती रहती है, पॉम पॉम की धूम धड़ाका आवाज होती रही, पॉम पॉम की आवाज होती रहती है, तो इसका आंसर हो गया पॉम। कन्विक्ट, किसी का हमने कान लड़ाई हुई, किसी का कान काट दिया किसी बंदे ने, तो वो क्या हो गया, क्रिमिनल हो गया, अपराधी हो गया। नेक्स्ट है इतना रेंट, इतना रेंट, तो ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी सामान उठाया दूसरी जगह चला गया। ट्रांसपेरेंट, और एक बंदा है कि ट्रांसपेरेंट कौन थी, लूसी, लूसी से याद रखें, लूसिट। नेक्स्ट है ऑबस्टिनेट, ऑबस्टिनेट एनेटिनेट, अब जानते हैं जहां क्रिकेट खेलते हैं नेट पे खेलते हैं। अब क्या होगा, किसी फील्ड में तुम क्रिकेट खेलने गए और तुमसे पहले कोई वहां क्रिकेट खेल रहा है, तो तुम क्या कह रहे हो भाई, एक लड़का कह रहा है कि ऑबस्टिनेट, कि भाई उसी नेट पे मुझे स्टंप ऑन स्टंप गाड़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बार बार जिद कर रहा है कि चाहे भाई मुझे उसी नेट पे स्टंप ऑन, ऑबस्टी नेट, उसी नेट पे क्या करना है, स्टंप गाड़ने हैं, और स्टंप गाड़ने से हो जाएगा ऑबस्टी नेट। तो यानी वो क्या कर रहा है, जिद कर रहा है, जिद्दी। नेक्स्ट है अलर्ट, अगर हम कह देते हैं जब सरकार कहती है भाई अलर्ट हो जाओ, तो सरकार पुलिस चारों तरफ वॉच करना शुरू कर देती है, तो वॉचफुल हो जाएगा इसका, यानी चौकन्ना। नेक्स्ट है एसिड, और एसिड को भैया कंसर्ट बोलते हैं, एसिड को क्या बोला जाता है, कंसर्ट बोला जाता है, तो कंसर्ट से हो गया कंसर्ट। और जो अगर उसको हम तभी ले सकते हैं अगर किसी प्रिंसिपल की या किसी टीचर की वो राजी होगा, तो आप वरना हम एसिड नहीं ले सकते। तो एसिड को क्या बोला जाता है, कंसर्ट बोला जाता है, और तभी हम एसिड ले सकते हैं अगर कोई टीचर हमसे राजी है या जानता है कि इसका ये सही प्रयोग करे। नेक्स्ट है सुपरनेटेड, इसका रिटायर्ड, अब एक बंदा क्या हुआ, सुपर नेट यानी सुपर नेट बनाता बनाता रिटायर हो गया। सुपर नेट का मतलब होता है जैसे कोई जादुई कोई नेट बना रहा था, उसको बनाता बनाता वो क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया, यानी सेवानिवृत्त हो गया। सुपर नेटेड यानी सुपर नेट बनाता बनाता रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, सेवानिवृत्त होना। नेक्स्ट है ऑडासिटी, इसका बोल्डनेस, याद कैसे करेंगे, AUD से याद रखें ऑडी, और ऑडी गाड़ी भैया वही ले सकता है जिसके अंदर बोल्ड होगा, साहसी होगा, क्योंकि ऑडी कई लाख की आती है, तो ओडी वही खरीद सकता है जिसके अंदर भैया साहस होगा, साहस हो जाएगा बोल्डनेस, साहसी। नेक्स्ट है डिसकैपिचुलेटेड, अब मान लो हम डिस देख रहे थे, DECR से डिस, CREPS से कट जाना, CREPS यानी कट जाना, तो डिसक्रिप्ट हो जाती है, डिस कट जाती है अचानक से, तो क्यों कट गई डिस, क्योंकि आपने केबल का फी नहीं दिया था, फीवलनेस यानी दुर्बल, फीवलनेस यानी आपने फी नहीं दिया, इससे भैया डिस कट गई, और क्या हुआ, तो फीवलनेस यानी दुर्बल। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन चेंज, तो ट्रांजेक्शन का जब मनी को आप ट्रांजेक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है मनी ट्रांसफर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी खाते से दूसरे खाते में चली जाएगी। तो ट्रांजेक्शन से यानी ट्रांजेक्शन जब करोगे तो मनी जाहिर सी बात है ट्रांसफर हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी, तो इसका आंसर हो गया चेंज यानी बदलना। नेक्स्ट है एक्यूज यानी आरोप लगाना, AWU से याद रखें एक्यूज, अब किसी बंदे पर एक्यूज करा गया यानी आरोप लगाया, क्यों लगाया गया, कि पुलिस वाले ने आरोप लगाया, तो इंडिकेटेड, क्योंकि उसने गाड़ी मोड़ते वक्त इंडिकेटर नहीं दिया था, एक्यूज वो आरोपी माना गया, क्यों माना गया, क्योंकि वो जो बाइक को मोड़ रहा था इंडिकेटेड इंडिकेटर नहीं दिया था, इसलिए उसको आरोप लगाया गया, उसका चालान किया गया, तो एक्यूज यानी आरोप क्यों लगाया गया, क्योंकि उसने इंडिकेटर नहीं दिया था। नेक्स्ट है बैकएंड, अगर किसी को हमें बैक करना है, जैसे कोई तुम्हारे सामने से निकल गया, कोई दोस्त है तुम्हारा, उसको अगर बैक करना होगा तो एक ही रास्ता, उसको कॉल करनी पड़ेगी, अगर ज्यादा दूर निकल गया वो, तो बैकएंड, अगर उसको बैक करना है तो कॉल्ड, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल्ड करना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कॉल्ड। नेक्स्ट है जीनियस, ओरिजिन, जो जीनियस लोग होते, जिनाइन है वैसे इसको बोलेंगे जीनियस, GENUI से जीनियस याद रखें, जो जीनियस लोग होते हैं ना वो ओरिजिन होते हैं, और तो इसका आंसर ओरिजिन भी है, रियल भी है, ऑथेंटिक भी है, आगे आएंगे सब मिलेंगे आपको। तो जीनियस लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओरिजिन होते हैं, असली होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, ऑबस्टी नेट, उसी नेट पे हमें क्या करना है भैया, स्टंप गाड़ना है, इसकी बार बार वो क्या कर रहा है, जिद कर रहा है। अलर्ट, अब जब सरकार ने कहा अलर्ट हो जाओ, तो जाहिर सी बात है पुलिस चारों तरफ वॉच करना शुरू कर देगी। एसिड, एसिड के इसको क्या बोलते हैं, कंसर्ट बोलते हैं हम, और वो हम तभी ले सकते हैं अगर कोई टीचर हमसे राजी है। सुपर नेट, सुपर नेट बनाता बनाता एक बंदा रिटायर्ड हो गया, जिसका आंसर रिटायर्ड भी है। ऑडासिटी, ओडी वही ले सकता है भैया जिसके अंदर साहस होगा। डिस्कैपिचुलेट, डिस्क कट गई क्योंकि आपने फी नहीं दी थी, फीवलनेस हो गया।
ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन करोगे तो मनी चेंज हो जाएगी, एक खाते से दूसरे खाते में चली जाएगी। एक्यूज, आरोप लगाया, क्यों लगाया, इंडिकेटर नहीं दिया था भैया आपने। बैकएंड, किसी को बैक करना है तो बैक तभी कर पाओगे जब उसको कॉल करोगे। जीनियस, भाई एक बंदा जीनियस है तो जीनियस बंदे तो रियल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, फेक नहीं होते हैं। इसमें आप, आपकी 100 students हो चुकी है, अभी 900 students की ट्रिक और आनी है, तो धीरे धीरे आपको ये पार्ट देखने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो डायरेक्ट आपके पास जाए। धन्यवाद।